स्टंट करने वाले इस खबर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप भी सड़कों पर इसी तरह की स्टंटबाजी करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपका स्टंट आपको सलाखों के पीछे न पहुंचा दे। एक बाइक पर सवार 5 लोग और फिर निकल पड़े ट्रैफिक भरे रास्तों पर, वो भी बिना किसी खौफ के। लेकिन ये लोग इस बात को भूल चुके थे कि अब यूपी में योगी राज यानी कि बाबा का राज हो चुका है। और जो कानून तोड़ेगा खाकी उसको सबक जरूर सिखाएगी। यकीन नहीं होता तो सलाखों के पीछे खड़े शमी मोहम्मद, इरशाद मोहम्मद, आसिफ मोहम्मद, वसीम और मोहम्मद आरिफ को देख लीजिए, समझ लीजिए और सावधान भी हो जाइए, क्योंकि अब यूपी में स्टंटबाजी और अपराध नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं कि आखिर ये लोग सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे। दरअसल मुरादाबाद के गल शहीद के मोहल्ला असालतपुरा में रहने वाले शमीम ने 4 लोगों को बिठा लिया। इनमें से 3 युवक बाइक की सीट पर बैठे थे, जबकि 2 युवकों को बाइक पर बैठने वाले युवकों ने अपने घुटनों पर लटका लिया और फिर ये लोग कटरा नाज इलाके में स्टंटबाजी दिखाने लगे। इस दौरान किसी ने इन लोगों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वायरल होते होते वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया और फिर वीडियो की मदद से पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस के पास इन लोगों को माफ करने के साथ साथ छोड़ने के लिए भी तमाम नेताओं और बाकी लोगों के फोन कॉल्स और सिफारिशें आने लगी। लेकिन सिफारिश करने वाले इस बात को भूल चुके थे कि अब यूपी में बाबा का राज चलता है और इस राज में तो कानून के अलावा किसी और की नहीं चलती। इन स्टंटबाजों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनका ये एक्शन इन्हीं को रिएक्शन कर देगा और सीधे पहुंचा देगा सलाखों के पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, JBT लाइव।